वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हमारा पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन में हम इंडिया एंड द वर्ल्ड देख रहे थे। इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमने यहां तक पूरा कर लिया था कि इंडियन ओशन इसको क्यों नाम दिया गया था। आज हम देखेंगे इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इंडियाज नेबर कंट्रीज। अभी हम सिर्फ इंडिया एंड वर्ल्ड की कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स की बात करें। इसमें क्या था, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट देयर हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट्स जो है इंडिया का बहुत टाइम से चला रहा है, ओल्डर है बहुत। मैरिटाइम से तो अभी स्टार्ट हुआ है। आज के टाइम पे ओशन से जो ट्रेड है वो मच मोर इजियर है लैंड से। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर उस टाइम पे इतना नहीं था। इस वजह से उस टाइम पे लैंड रूट जो है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एशियन ट्रेवलर्स व्हाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ओशन से ट्रेवल करना बड़ा ही कठिन है क्योंकि ओशन में कई सारी नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से ओशन जो है वो डूब जाती थी। तो और मगर लैंड जो है, जो हमारे माउंटेन्स है उनमें भी कई तरीके के पासेस होते थे और उन पासेस से कई तरीके की जो लोग हैं वो ट्रेवलर बनकर इंडिया में आए थे। कई तरीके के पासेस हैं, पाकिस्तान में कई तरीके की पासेस हैं, हमारे जो कश्मीर है वहां पे पासेस है, जो लद्दाख है, जो अक्साई चिन है जो चाइना के पास है वहां पे कई सारे पासेस हैं। तो इस तरीके के पासेस के थ्रू कई सारे ट्रेवलर्स आ सकते थे और इंडिया से ट्रेड कर सकते थे, मगर जो हमारा ओशन था वहां पे कई सारे रेस्ट्रिक्शन थे और कई सारे नेचुरल डिजास्टर का भी खतरा था। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ancient times में इस तरीके की चीजें होती थी, ancient times में ये सारी चीजें होती थी, ठीक है, commodities का ट्रेड होता था through land, सी से भी होता था बट सी से जो है कम होता था। The ideas of Upanishads and the Ramayana, the stories of हंदा तंत्र, तो इस तरीके के रामायण हो गया, हंदा तंत्र, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आइडियाज फलफूल रहते हैं। द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की जो भी डिस्कवरीज थी, जो भी ना उपनिषद से रामायण और मन्वंतर जैसी कई सारी चीजें थी जो दूसरी कंट्रीज तक पहुंच पाई। द स्पाइसेस मुस्लिम एंड देयर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। तो इंडिया के जो मसाले हैं उनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी। इंडिया के जो मसाले हैं उसके लिए हर यूरोपियन पावर आई। पहले ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, हमें मसालों में ट्रेड करना, इंडिया के मसाले चाहिए, मगर ये हम एशियन टाइप से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मतलब यूके में जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था मसाला वो पहले से इंडिया कर रहा है, बट उन्हें और जानना था और इस वजह से वो इंडिया में आए। तो इंडिया में आप सब जानते हो उन्होंने क्या किया। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। मिनेट्स वो आपने देखो वो डोम वोम बने होते हैं इस तरीके की चीजें फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। आपने कई सारे जो जैसे कि ताजमहल आप सबने सुना होगा, ताजमहल में वो जो डोम है शाहजहां ने बनाया था, तो वो शाहजहां कहाँ का था, वेस्ट एशिया का था। कहाँ का था शाहजहां, वेस्ट एशिया का था। तो उन सबके इन्फ्लुएंस हमें हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। आज हम देखेंगे हमारे इंडिया के पड़ोसी, इंडियंस नाइबर्स। पड़ोसी कौन कौन है हमारे, पड़ोसी देश कितने होते हैं। तो पड़ोसी देश जिन जिन के साथ हमारी बॉर्डर लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो पाकिस्तान के साथ लगती है, लगती है। रशिया के साथ लगती है, बिल्कुल नहीं। चाइना के साथ हाँ, मगर चाइना के साथ भी बहुत ही ऐसा नैरो है जिसमें डिस्प्यूट है, मगर नेपाल के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नैरो पैसेज में है,
और इस तरीके से म्यांमार भी है, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से उनकी बॉर्डर निकलती है। तो ये कुछ कंट्रीज है जो हमारे पड़ोसी कहे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे इंडियन नेबर्स में क्या क्या होता है। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब ये चेंज हो चुकी है। आप सबको पता होगा, अगर अब इंडिया नेबर्स में क्वेश्चन आता है कि इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया, बिल्कुल सही। मगर क्या ये सही है? इंडिया 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अभी आप सबने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट था उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हमें रिसेंट डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होगा। क्वेश्चन आंसर में अगर ऐसी चीजें पूछी जा रही है जो रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इस वजह से आपको न्यूज़पेपर और न्यूज एनालिसिस भी करना होगा। उसके बाद ही आप हमारी ज्योग्राफी जो है उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। ज्योग्राफी में कई चेंजेस आते रहते हैं पॉलिटिकल चेंजेस के कारण। तो इंडिया हैज नाउ नॉट 29 स्टेट्स, एक स्टेट कम हो चुका है। नाउ इंडिया है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 8th वन इज J&K, नॉट 8, इट्स 9। क्यों? क्योंकि J&K जम्मू एंड कश्मीर में जो J&K है उसे तो एक यूनियन टेरिटरी बनाया ही है। लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो टोटल हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हो जाती है और 28 स्टेट्स। ये आप सबको याद रहेगा, ये एक महत्वपूर्ण चेंज है जो इंडिया में आया है। आप सबने सुना होगा कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था लोकसभा राज्यसभा में। राज्यसभा में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, स्पीकर को बहुत सारे जो लोग हैं उनको बाहर निकालना पड़ा, इतना ज्यादा वॉयलेंस हो रखा था वहां। तो ये सारे कारण थे और ये इस वजह से हमारा ज्योग्राफी में जो चेंज आया है मेजर चेंज, वो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में 1 और 2 मार्क्स। ठीक है। अब इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल सही, नॉर्थ वेस्ट सॉरी। तो इंडिया जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये हमारा इंडिया है। मान लीजिए ये इंडिया है, लग नहीं रहा मगर फिर भी मान लीजिए। तो मान लीजिए अगर ये इंडिया है तो क्या होगा? इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट और तिब्बत। ये तिब्बत का एरिया है। नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश। म्यांमार ये हमारा ये वाला एरिया म्यांमार में, और बांग्लादेश ये इधर छोटा इन द ईस्ट। ये हमारे नाइबर कंट्रीज हैं। हमारे नाइबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत अगर आप मान लें तो चाइना मान सकते हैं, और नेपाल, बांग्लादेश, ये हमारे नाइबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका क्यों है? क्योंकि वहां पे कोस्ट में साइड में से निकलता है और वहां पे ओशन आ जाता है, स्टेट आ जाता है, इस वजह से श्रीलंका को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना था। अवर साउथर्न नाइबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज। तो ये तो हमने नॉर्थ की बात की, अब अगर साउथ में बात करें तो इधर श्रीलंका जो हमने बोला था उसकी और कुछ और कंट्रीज की भी बात करें, जैसे कि मैंने बताया ये हमारा श्रीलंका है। तो श्रीलंका एंड मालदीव, और ये मालदीव है। तो ये हमारे साउथर्न पार्ट में, नॉर्थर्न पार्ट में तो ये कंट्रीज होगी, साउथर्न पार्ट में श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को हम ऐड इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि नॉर्थ के लिए बात कर रहे हैं। अब इसी में यहाँ पे साउथ की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम मालदीव और श्रीलंका को ऐड कर रहे हैं। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्ट्रेट। तो ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है? ये एक ओशन है, क्या एक स्टेट है, और इस स्टेट का नाम है पाक स्ट्रेट। इसमें क्या है? पाक स्ट्रेट। ठीक है। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहां पे जो है गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है।
वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहे हैं आप सबको, इसके साउथ में मालदीव जो है लोकेटेड है। इसके साउथ में हमारा क्या है लोकेटेड, मालदीव जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। यहां से हमको पता लग रहा है इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नाइबर्स। इंडिया के कई सारे ज्योग्राफिकल लिंक्स थे और कई सारे हमारे हिस्टोरिकल लिंक्स भी, कई सारे ट्रेवलर्स थे। आपने हुई तसांग का नाम सुना होगा, इचिंग का नाम सुना होगा, ये सारे जो थे चाइना और इन सारी कंट्रीज से आए थे। तो ये सारे पासेस के थ्रू इंडिया में प्रवेश करे थे। तो लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। आप सब अपना अपना एटलस खोलिए अगर आपके पास हो, या फिर आप इस मैप में भी अभी मैं बताऊंगा वो देख सकते। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया किस तरीके सेपरेटेड है आप अंदाजा लगा सकते, उससे आपकी मैप प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा कुछ एक फैक्ट है जो इसमें हर में डू यू नो दिया हुआ है। इसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक नॉलेज बेस बनाने के लिए आपके ठीक रहेगा। ये सिर्फ एक फैक्ट है, उसमें हमें कुछ नहीं बताया। अब आ जाते हैं हमारे क्या क्वेश्चन आंसर्स। बट क्वेश्चन आंसर्स से पहले हम जो हमारे डू यू नो वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो डू यू नो वाले जो हमारे ये फैक्ट्स दिए हुए, इन फैक्ट्स से भी कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। अगर हमें इन फैक्ट्स को मिस कर दिया तो मे बी वो ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि सबको पता है कि डू यू नो वाले क्वेश्चन बहुत कम लोग याद करके जाएंगे। तो आपको इनको एक बार मेमोराइज करना होगा। तो हम शुरुआत से देखते हैं डू यू नो के कौन कौन से क्वेश्चन। तो जैसे मैंने अभी आपको ये डू यू फाइंड आउट वाले बताए, कन्याकुमारी कश्मीर, ये मैंने आपको बता चुका कि इसमें तो लैटिट्यूड की वजह से डे नाइट चेंज होता है, इसमें लॉन्गिट्यूड की वजह से, मेरिडियन की वजह से हमारा जो इंडिया का अलग टाइम हो गया। उसके बाद आता है हमारा एक और फाइंड आउट, और फाइंड आउट का क्या है वो, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट एरिया वाइज वाइल इन द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट। तो आपको ये सारी चीजें जो है फाइंड आउट करनी है, इन सारी चीजों को जो है फाइंड आउट करना है। और इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी ईस्टर्न कोस्ट में, कौन कौन सी वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट। आपको एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द बिगेस्ट स्टेट, दैट इज लार्जेस्ट स्टेट, वो भी देखना होगा। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनल बॉर्डर विच लाए ऑन द कोस्ट। सो द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके साथ कौन कौन से स्टेट्स जो है जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, तो हमारा एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला स्टेट है, ऐसे आपको स्टेट्स बताने हैं। एंड क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू फोर ग्रुप्स कॉमन फ्रंटियर्स विद, कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो पाकिस्तान के साथ कॉमन फ्रंटियर में इंडिया का क्या है, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, कौन कौन से स्टेट्स हैं उनको आपको बताना है। जैसे पाकिस्तान के साथ तो आप बता सकते हैं राजस्थान है, गुजरात है, चाइना के साथ भी आप बता सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हमारा लद्दाख रीजन जो अक्साई चीन चाइना ने हत्या हुआ है अगर उसको माने तो, बांग्लादेश। तो ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये फैक्ट्स जो है डू यू नो वाले वो भी देख रहे हैं। तो डू यू नो वाले फैक्ट्स में हमारा सेकेंड वन है कि बिफोर 1947 देर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। तो आप सब जानते हैं 1947 में हमें आजादी मिली, उससे पहले क्या था, प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। प्रोविंसेस जो है उन्हें डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटिशर्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय। वायसराय के बारे में आप सब जानते हैं, वायसराय होते थे हमारे इंडिया में जो थे। तो प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स हु एक्नोलेज्ड
सॉवरेनिटी इन रिटर्न ऑफ फॉर लोकल ऑटोनॉमी। तो प्रिंसली स्टेट्स क्या करते थे, रूल करते थे लोकल जगहों पर, और वो प्रिंसली स्टेट्स में क्या होता था कि उनके जो पुत्र के पुत्र हैं वही उनके हेरिडेटरी वंशज हो जाते थे, कि अगर किसी राजा का पुत्र है तो वो राजा हो जाते। तो इस तरीके के हेरिडेटरी रूलर्स हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट, हु एक्नोलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। और वो क्या करते थे, सॉवरेनिटी को अपनी एक्नोलेज करते थे, लोकल ऑटोनॉमी भी रिटर्न में मांगते थे कि हम हमारी सॉवरेनिटी जो है आपको थोड़ी सी दे सकते हैं मगर हमें ऑटोनॉमी भी चाहिए। तो इन सब बेसिस पे बिफोर 1947 था, उसके बाद हमारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो सारे खत्म हो गए बाय माउंटबेटन प्लान, जैसे कि आप सब जानते हैं। अब हम हमारा लास्ट फैक्ट देखते हैं, वो क्या है, स्कूल भवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्कूल भवन नाम का एक पोर्टल है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें मैप बेस्ड लर्निंग, इस तरीके से जो हमने मैप बेस्ड लर्निंग करी है यहाँ पे वो हमें प्रोवाइड करता है, अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में ये हमें अवेयरनेस बताता है, कौन कौन से हमारे पास आयरन है, कौन कौन सा गोल्ड है, किस किस तरीके की लैंड है, किस किस तरीके की सॉइल है, वो सब हमें ये स्कूल भवन पोर्टल बता देता है। एनवायरमेंट एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके बारे में बताता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा संपूर्ण विकास हो जाए और एनवायरमेंट को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। इट इज एन इंस्टेंट इंडिकेटिव ऑफ भुवन NRSC और इसरो बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। तो ये जो इनिशिएटिव है भुवन का ये हमारा इसरो ने बेस किया है और NCERT सिलेबस पे भी, तो जो ये भुवन है उसको इसरो जो है मैनेज करता है और NCERT सिलेबस पे ये बेस्ड है। तो ये स्कूल भवन पोर्टल आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, इस पे आप कई सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते। तो ये हो रहा है हमारा चैप्टर, अब हमारा चैप्टर तो हो चुका है मगर अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से देखें तो इसमें हमें इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में, साइज और लोकेशन के बारे में ही सबसे ज्यादा जानकारी मिलनी है। तो अगर इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिलनी है तो हमें एशिया को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो एशिया जो है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि एशिया को रिवाइज करने पर हमारे जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे। तो ये मैप देखिए, ये इंडिया के पास में जितनी भी कंट्रीज है, जो एडजेसेंट कंट्री है, जो जुड़ी हुई कंट्रीज है, उनका हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं, मतलब हम ये एक बार स्टडी कर लेते हैं, व्हाट आर दी कौन कौन सी कंट्रीज है। सो लेट अस स्टडी नाउ इंडिया। इंडिया का ये स्टेट है J&K, जो आज J&K एंड लद्दाख में डिवाइड हो चुका है एज यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसकी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान एक कंट्री हो गया हमारा नेबर। इसकी चाइना के साथ बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश इसकी भी बॉर्डर है, ये उत्तराखंड, ये फिर हमारे UP के साथ नेपाल का, बिहार भी नेपाल के साथ बॉर्डर कर रहा है, बांग्लादेश, और ये भूटान के साथ बांग्लादेश भी कर रहा है देखिए, और साथ ही साथ आसाम बांग्लादेश के साथ भी कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल भी कर रहा है। तो इस तरीके से बांग्लादेश भी हो गया, भूटान भी हो गया, चाइना भी हो गया, म्यांमार के साथ हमारे मिजोरम कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, मणिपुर कर रहा है, तो मिजोरम भी हमारा एक नेबर कंट्री हो गया, और ये मैंने बताया आपको पाक स्टेट, ये श्रीलंका हो गया, और ये है मालदीव्स। मालदीव जो है छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, तो एक कंट्री है जो इतने सारे आइलैंड से, इन सबको अगर जोड़ दें मतलब यहाँ पे जो है इन सबकी लाइन बना देना तो ये इसकी कोस्ट लाइन हो जाती है। और इसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि मालदीव जो है इंडिया का जो लक्षद्वीप है उसके जस्ट नीचे, इंडिया का जो लक्षद्वीप है ना उसके जस्ट नीचे कौन है, मालदीव्स। ये हमारे साउथर्न नाइबरिंग कंट्री है और ये हमारी नॉर्थर्न नाइबरिंग कंट्री है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा कैच है, आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अफगानिस्तान तो इतना दूर है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया की कौन सी बाउंड्री हो सकती है, मगर यहीं पे तो कैच है। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के इस इलाके से थोड़ा सा इधर भी आता है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है वो अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है रिकॉग्नाइज कर रखा है इस वाली प्रोविंस को,
बलूचिस्तान, सॉरी बलूचिस्तान नहीं, गिलगित बल्चिस्तान। जो गिलगित बल्चिस्तान है वो वाली प्रोविंस जो है उसे हमने हमारा पार्ट माना हुआ, इस वजह से अफगानिस्तान को हम हमारा नेबर बता सकते, ठीक है। तो ये हमारी कंट्रीज होगी। तो आज के लिए इतना ही, अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेसन, वो बाद में करेंगे। उससे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। हम ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको एक बार रिवाइज करना होगा, और उसके रिवीजन के बाद ही हम ये कर पाएंगे। तो रिवीजन के बाद ही हम जो है ये सारी की सारी चीजें कर पाएंगे, मगर अब इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं। जो हमारी ये जो 30 वर्ड्स और मे बी 120 वर्ड्स की क्वेश्चन है, ये हम हमारा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके साथ नहीं गुजरता, कौन से स्टेट से नहीं गुजरता। मैंने आपको कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जिन कंट्रीज के साथ गुजरता है उसकी तो आप लिस्ट बना ही लीजिए, साथ ही साथ जो इंडिया में जिन जिन स्टेट से गुजरता है वो भी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था कि दो भागों में बांट देता है इंडिया में। जो इंडिया है हमारा, तो इंडिया को जो है ये दो भागों में बांट देता है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया को दो भागों में बांट देता है। अब ये हमें बताना है कि कौन कौन से जगहों से पास होता है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है। तो हम वापस से इंडिया के मैप में आते हैं। अब यहां देखिए इस वाले इंडिया के मैप को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो भागों में बांट रहा है। अब कौन कौन से स्टेट से गुजरते हैं, गुजरात से गुजर रहा है, राजस्थान से, ये देखिए ये छोटा सा है जो एरिया वो राजस्थान से भी गुजर रहा है, फिर राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद ये हमारा मध्य प्रदेश, फिर आगे चलते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ के एरिया से भी गुजर रहा है, फिर आगे चलते हैं तो हमारा जो ये झारखंड है वहां से भी गुजर रहा है, फिर आगे चलें तो वेस्ट बंगाल से भी गुजर रहा है, फिर आगे चलें तो ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये हमारा त्रिपुरा वो भी है, फिर ये मिजोरम भी है वहां से भी गुजर रहा है, तो ये सारे स्टेट से गुजर रहा है। अब वहां पे हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये सारे स्टेट से गुजर रहा है मगर ऑप्शन में जितने स्टेट हैं उन्हीं में हमें आंसर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो पहला क्या है, राजस्थान, राजस्थान से गुजर रहा है, हाँ जरूर गुजर रहा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी हमने देखा गुजर रहा है, उड़ीसा से नहीं गुजर, उड़ीसा से बिल्कुल नहीं गुजर रहा, जैसे मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है मगर उड़ीसा से बिल्कुल नहीं गुजर रहा। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ जो है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ यहाँ पे, यहाँ से गुजर रहा है, फिर उसके बाद झारखंड से गुजर रहा है, उड़ीसा को पूरा पास कर दिया, तो उड़ीसा हमारा आंसर होगा क्योंकि त्रिपुरा से भी गुजर रहा है, ये देखिए छोटा सा एक ये हिस्सा त्रिपुरा वो से भी गुजर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, क्योंकि हमें नॉर्थ बताना था कि किससे पास नहीं होता तो उड़ीसा होगा। अब नेक्स्ट है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ये वाले लॉन्गिट्यूड होते हैं और ये वाले लैटिट्यूड होते हैं, सॉरी ये वाले जो है लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो हम सबसे पहले वाले हमारे एच पे चल जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स किस किस में बिटवीन है, 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये यहाँ पे, ये तो क्या है 68 डिग्री और ये 97 पर 25 डिग्री। अब वहां ऑप्शन में चलते हैं, अब देखिए यहाँ 68.7 डिग्री हमें क्या बताना है, ईस्टर्न मोस्ट, तो ईस्टर्न मोस्ट तो यहाँ पे हो गया, 68 कहाँ पे हो जाता है, 68 जो है वो तो यहाँ पे है, तो 97 ही हमारा आंसर होगा, 67.68.7 और ये 97.25, हमारा आंसर क्या हो गया 97.25, क्योंकि हमें ईस्टर्न मोस्ट बताना है, अगर वेस्टर्न मोस्ट बताना होता तो ये आंसर हो जाता,
ईस्टर्न मोस्ट बताना है तो 97.25 हमारा आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, दो हमारे क्वेश्चन बचे लास्ट, इसके बाद हम ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इफ यू इंटेंडेड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिक यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर आप कावेरी जो है उसके ड्यूरिंग पे जाते हैं समर वेकेशन में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो देखा जाए तो अगर नीचे की साइड में आप चेन्नई का एरिया जो है वहां पे पुडुचेरी आते हैं। अब कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु से भी गुजरती है, कर्नाटका से भी गुजरती है, मगर इनमें जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है वो चेन्नई में है। लक्षद्वीप एक टोटल आइलैंड की चेन्नई नहीं हो सकती। दमन एंड दीव महाराष्ट्र के उधर आ जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार बिल्कुल अलग है। तो आंसर क्या होगा हमारा, पुडुचेरी। क्या होगा हमारा आंसर, पुडुचेरी होगा। और ये पुडुचेरी कैसे नाम पड़ा, पहले हम इसे क्या बोलते थे, पुडुचेरी, बाद में हमने इसका नाम पुडुचेरी कर दिया। तो पुडुचेरी और पुडुचेरी में कंफ्यूजन हो, पुडुचेरी हम पहले बोला करते थे मगर अब पुडुचेरी कहते हैं। अब लास्ट, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा फ्रेंड जो है फ्रॉम अ कंट्री है, ऐसी कंट्री से है विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, तो वो कंट्री कौन सी है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो भूटान इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, देखते हैं ये क्या है। ये भूटान इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तो हमारा ये आंसर तो हो नहीं सकता। बांग्लादेश बिल्कुल कर रहा है। तजिकिस्तान देखते हैं, तजिकिस्तान कहाँ है, यहाँ पे तजिकिस्तान भी कर रहा है क्या, कर रहा है। अब क्या है हमारा, नेपाल, नेपाल कर रहा है, हाँ नेपाल भी कर रहा है, मगर इस तजिकिस्तान में कैच है। आप सबको लग रहा होगा कि मैंने तजिकिस्तान बोला कि तजिकिस्तान भी कर रहा है, मगर तजिकिस्तान में एक कैच आ जाता है, वही यहां पे। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है उस वाले पार्ट को अपना हिस्सा मानता है, तो इस वजह से वहां की जो बाउंड्री के साथ कनेक्टेड हो रहा है तो ये भी इंडिया का जो है पार्ट हो सकता है, मगर अभी हम नहीं मानेंगे, अभी हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि पार्ट तो अभी ये पाकिस्तान का है, तो इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तजिकिस्तान, जो लैंड बॉर्डर बिल्कुल शेयर नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो हमारे ये तीन क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।